यहाँ पे हम एब्रेसिव डिस्क बनाते हैं, नियरली कुछ सेक्टर्स में ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में और कुछ मेटल इंडस्ट्रीज़ में। जो फाइबर रोल है जिसपे हम पंच करके डिस्क बनाते हैं, पहले तो हम उसे आउटसोर्स करते थे, तो उसमें होता था कि टाइम वेस्ट होता, तो हमने खुद पंचिंग मशीन ला के पंच करना चालू कर दिया। लेकिन उसमें होता था क्या, हमारे दो आदमी लगते थे। जब स्टूडेंट्स आए कॉलेज के, उनका आइडिया था कि पूरा ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम कर देंगे, मतलब इट्स काइंड ऑफ सेमी ऑटोमेटिक। तो उसमें हुआ कि एक तो हमारा टाइम सेव होने लगा और बाद में लेबर कॉस्ट कटिंग भी हुआ, क्योंकि पहले दो आदमी काम करते थे, अभी एक ही आदमी काम करता है।